अस्सलाम वालेकुम जी, हम थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार मूवी जो हमारी 3 जून को रिलीज़ हो रही है उसके प्रमोशन के लिए आए हैं कराची। और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या है। उसमें ये दिखाया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से एक माँ और बेटा पाकिस्तान आते हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है अपने वतन से, इसलिए वो बहुत सालों के बाद वापस आते हैं। और ये कैरेक्टर मैंने इस वजह से लिया कि जब मुझे पता चला कि इस कैरेक्टर की स्टोरी में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। मैं जब भी कोई कैरेक्टर लेती हूँ तो मैं ये देख के लेती हूँ कि कहानी में उसका कितना ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है उस कैरेक्टर की। तो मुझे लगा कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है क्योंकि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई गई है फिल्म में, इसकी थीम बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट पे है। तो इस वजह से मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें रोता धोता कैरेक्टर नहीं है। फिर एक एंटरटेनिंग सी फिल्म है, एक आजकल जैसे लोग देखना चाहते हैं थोड़ी लाइट कॉमेडी, इतने स्ट्रेसेस हैं तो कम से कम यह है कि उसमें एक थोड़ा सा फ्रेशनेस है इस फिल्म में। इसमें लोकेशंस बहुत खूबसूरत हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं, तो आई एम श्योर कि उसमें वो सब कुछ है जो आप लोगों को पसंद आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी ये फिल्म इंशाल्लाह। अब मैं बात करूं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप सब आए और लेट होने पे माफ़ी। और जो हमारी फिल्म है थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, इसकी कहानी की पहले बात करें तो इसकी कहानी ऐसा नहीं है कि 8-10 फिल्मों को देखने के बाद एक राइटर ने कहानी लिख ली और बाद में जो है लोग समटाइम जो है सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ रिलेट कर रहे होते हैं कि ये तो फ़लाँ फिल्म की कॉपी है, इसमें तो फ़लाँ फिल्म का जो है वो एंड उससे मिलता है या ये। तो ये जो कहानी है वो स्क्रैच से लिखी गई है, एक न्यू आइडिया है। और इसकी जो प्लस पॉइंट है कि लोग क्यों देखने आए इसमें, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा इसका म्यूज़िक जो है वो बहुत अच्छा है, उसकी जो है लिरिक्स और उसकी जितनी भी कंपोजिशन है। मोस्टली आजकल ये हो रहा है कि जो सॉन्ग्स हैं फिल्म के वो इंडोर शूट हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से जो है हम लोग फिल्म के सॉन्ग्स को मिस कर रहे थे और इसके अंदर वो चीज़ है जो इसका USP है, एक वो है। और उसके बाद जो है हमने जो लोकेशंस का यूज़ किया है फिल्म के अंदर, लोकेशंस ऐसा नहीं है कि इंडोर अगेन, आउटडोर लोकेशंस हैं। इसमें आपको न्यू फेसेस के साथ साथ न्यू लोकेशंस भी देखने को मिलेंगी और पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो बाहर जो जाएगा वो बड़ा सॉफ्ट और अच्छा इमेज जाएगा क्योंकि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। हमने पूरी कोशिश की है कि वो जगहें हम दिखाएं जो ऑलरेडी इससे पहले डिस्कवर नहीं हुई। मोस्टली क्या होता है कि कुछ चंद जो है वो जगहें हैं पिकनिक पॉइंट होते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं और शूट करके आ जाते हैं। हमने काफ़ी इस पर मेहनत की है और हम जो है बहुत ही मुश्किल ऐसी लोकेशन थी जिन पर हम गए हैं जहाँ हमने शूट किया है। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है तो कैरेक्टर जो है लला जी ने जैसे बताया कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी फैमिली है जो बाहर से शिफ्ट हुई है। और जो मेरा कैरेक्टर है जो आउट ऑफ कंट्री से आता है उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। वो लोग जो पाकिस्तानी एक बॉय है या जो लड़के हैं उस तरह से स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते, उनका थॉट प्रोसेस अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है तो वो डिफरेंट तरह से सोचते हैं। तो जब वो पाकिस्तान आता है तो उसको कोई ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता चीज़ों को, वो कनेक्ट नहीं कर पाता। और इससे आगे मैं ज़्यादा स्टोरीज नहीं बताऊँगा कि फिर सारी यहीं पर सुन लेंगे हम। और 3 जून को जो है वो बेहतर है कि आप बाकी की स्टोरी देखें जी। अमर ओके, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर कमिंग डाउन। मेरा कैरेक्टर अमल का कैरेक्टर है, मेरी दूसरी फिल्म से बहुत हटकर है, एक कॉन्फिडेंट डोमिनेटिंग लड़की का कैरेक्टर है। और पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि एक पाकिस्तानी फिल्म है तो आप सब एज अ पाकिस्तानी इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए, अपने कंटेंट को सपोर्ट कीजिए। और सिंस आप देख रहे हैं कि मुल्क में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसमें ये एक हमने एक मेहनत की है, कोशिश की है इस फिल्म को आप सब लोगों के लिए बनाने के लिए। इट्स अ लाइट कॉमेडी लव स्टोरी, इट्स अ फैमिली पैकेज, एंटरटेनिंग फिल्म है, सब लोग हर एज के लोग जाकर देख सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी, मेरी जो कैरेक्टर है कॉलेज यूनिवर्सिटी का लाइफ स्टाइल भी दिखाया है और उसके बाद मैं किस तरीके से अपनी लाइफ बैलेंस करती हूँ शादी के बाद, वो भी दिखाया गया है। और ये फिल्म 3 जून को रिलीज़ हो रही है, जाकर देखिए, सपोर्ट कीजिए एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक यू। अच्छा,
सबसे पहले तो पहले सवाल का जवाब कि यंगस्टर्स के साथ साथ काम करना अच्छा लगा, और क्योंकि ये लोग ऐसे यंगस्टर्स हैं कि जो सीखना चाहते हैं, और इन्होंने मेरी बहुत सी बात सुनी, मैंने कई जगह इनको करेक्ट भी किया जहाँ तक तलफ्फुज का सवाल आता है। लैला जी का इंस्टीट्यूट है उर्दू ठीक कराने का। नहीं, मैंने कोशिश की कि जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ वो करूँ, और हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो हमने सीखा है वो हम आगे जनरेशन को सिखाएँ। तो बाकी में आप सही कह रही हैं कि अब जो है उसके ऊपर, तलफ्फुज़ के ऊपर इतना ज़ोर नहीं दिया जाता, और बहुत मुझे तकलीफ़ होती है जब मैं ड्रामों में देखती हूँ कि गलत तलफ्फुज़ लोग बोल रहे होते हैं, और मुझे अफसोस होता है कि उसको कोई करेक्ट नहीं करता। जब अगर आप उर्दू का ड्रामा कर रहे हैं तो उसमें उर्दू सही होनी चाहिए, जिसके ऊपर अब मेरे ख़्याल से इतना ज़ोर नहीं दिया जाता। हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया जाता था कि कम अज़ कम तलफ़्फ़ुज़ आपका बिल्कुल सही हो। तो बहरहाल अब जो चीज़ भी लोग देखना चाह रहे हैं वही उन्हें दिखाई जा रही है, तो क्या कह सकते हैं इसमें। बहुत सारी फिल्में आ रही हैं आगे पीछे, तो आपको क्या लगता है कि सेट कर पाएंगे एग्जांपल एक नया, मतलब ट्रेंड के हाँ यहाँ हम ले जाएंगे फिल्म को और ये बहुत ज़्यादा ऊपर फिल्म, हम बहुत सारी पाकिस्तानी ही फिल्में आ रही हैं 3 जून को। फिल्म तो हम नहीं लेके जाएंगे, ये जितने लोग देख रहे हैं ठीक है, ये फिल्म को ये लेके जाएंगे। मोस्टली लोग कंपेयर कर रहे होते हैं अपने कंटेंट को फॉरेन कंटेंट के साथ यहाँ वहाँ, तो वहाँ के लोगों को आप देखें कि वो खाना थोड़ा सा कम खा लेंगे ठीक है, लेकिन वो फिल्म देखने सिनेमा में ज़रूर जाते हैं। फिर उनका जो क्रिटिसिज्म है वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव हम भी चाहते हैं कि हमें आए, लेकिन आप पहले देखने तो जाएँ सिनेमा में। अगर आप ये चाहते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री ग्रो करे, तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, अच्छी फिल्म्स कैसे बनेगी जब हमारी ऑडियंस सिनेमा में जाएगी नहीं। मोस्टली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि मेरे पास व्हाट्सएप भरा पड़ा है कि टीवी पे कब आएगी, और पासिस तो चले मजाक हो गया, लेकिन टीवी पे कब आएगी। टीवी पे देखिए फिल्म को जो है ना वो सिनेमा को माइंड में रख के बनाई जाती है, उसके इफ़ेक्ट, उसकी जितनी सिनेमेटोग्राफी होती है वो सिनेमा में ही मज़ा आता है। पहले तो मैं जितने भी देखने वाले हैं सब आप अपने अपने प्लेटफॉर्म से एक चीज़ ये ज़रूर करें कि पाकिस्तानी सिनेमा में जाके फिल्म को देखें, और फिर ही जो रिकॉर्ड की आप बात कर रही हैं वही हम एग्ज़ाम्पल सेट कर सकेंगे। हाल ही में हमारी ईद के ऊपर फिल्म आई, और उसमें भी अच्छी फिल्म थी हमारे जो फॉरेन कॉन्टेंट की वजह से, जिसको बंद नहीं होना चाहिए, मैं ये भी कहता हूँ कि उसको बंद नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस लेके आना चाहिए उसके अंदर, ताकि पाकिस्तानी फिल्म्स को भी प्रॉपर टाइम मिल सके। और आज ही हम कहीं सुन रहे थे कि ऐसा हो गया है बिल पास वगैरह या कुछ भी, जिसमें 15% या इस तरीके से उनको प्ले टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बंद होना चाहिए, एग्जैक्टली हर तरह के हमारे पाकिस्तान में हर तरह के लोग रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को KFC पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, और कुछ लोगों को कुछ और पसंद है, इसी तरह से कोई चाइनीज़ खाता है, कोई थाई खाता है, इसी तरह से फिल्म का भी टेस्ट है लोगों का। तो वो बंद नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसमें बैलेंस लाना चाहिए, अपने कॉन्टेंट को टाइम देना चाहिए ताकि लोग जाके देखें, और इसी तरीके से प्रोड्यूसर्स आएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हमारी इंडस्ट्री एक दिन अच्छी हैवी बजट की फिल्म बनाएंगी। कप्तान में मैंने बहुत डिफरेंट रोल किया है, खान साहब की वाइफ का रोल पे किया है, जमायमा का, आई मीन कौन नहीं जानता कि उनकी लाइफ में क्या नहीं हुआ। वो बहुत एक सीरियस रोल है, मैच्योर रोल है, यू नो जैसे शादी के बाद जो भी होता है। वजूद में तो रिलीज़ हो चुकी है, उसमें मैं एक भोली इनोसेंट लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, इसमें बहुत शार्प लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, एज इन लाइक बहुत चुलबुली किस्म की लड़की है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से लड़कियाँ होती हैं, एंड आई एम श्योर कि इस कैरेक्टर से बहुत लड़के जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या यंगस्टर्स हैं, इस कैरेक्टर से या अपने यू नो इनके कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगे। इसमें एक पॉजिटिव मैसेज ज़रूर है, बेसिकली यूथ ओरिएंटेड फिल्म है, मगर वो मैसेज आप जब देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फिल्म जब देखेंगे तो इसमें एक पॉजिटिव मैसेज ज़रूर है। इसमें अगर मेरा एक अगर फॉर इंस्टेंस अगर जैसे लैला जी का रोल है मेरे साथ, जो रोल है उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है,
कोई भी ऐसा फैमिली के अंदर कुछ नेगेटिव नहीं दिखाया हुआ, यू नो पॉजिटिव वे में इसको वो चीज़ किया। और दूसरी बात, आपने इससे पहले जो सवाल किया था उसका भी मैं जवाब देना चाहूँगी। आपने ये कहा कि कंपटीशन एज इन लाइक पाकिस्तानी फिल्म के जैसे हमारी फिल्म लग रही है, दूसरी फिल्म लग रही है, इस हिसाब से कहा था। आई पर्सनली थिंक कि वो भी पाकिस्तानी फिल्म है, हमारी भी पाकिस्तानी फिल्म है, एंड एज ए पाकिस्तानी हमें अपने कंटेंट या हमारे अपने को स्टार से कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हम एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि हमारे यहाँ कोई और कंटेंट चलता था और लोग अच्छा आउट ऑफ अच्छा आउट ऑफ हाँ फिर उन्होंने उनके साथ भी हल्दी काफ़ी हद तक जो है वो ईद पर एक एग्जांपल सेट कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं। हाँ, तो क्या आपको इससे है उम्मीद कि ये हमारे पास टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। एक अजम्पशन ऐसी बन चुकी है कि पाकिस्तानी फिल्म है तो फिर ऐसी ही होगी बिना देखे हुए। देखें अभी तक हमारी फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो कुछ लोगों का फीडबैक है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अभी तक कमली जो फिल्म आ रही है नहीं देखी, मैं कैसे कह सकता हूँ वो अच्छी है या बुरी है। ठीक है, हमारा बाहर की फिल्म्स के साथ भी हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। हमारी जो अपनी फिल्म है, मैं ये कहूँगा कि आप जितनी बाकी फिल्म्स आ रही हैं पाकिस्तान को 3 जून को, 3 दिन लगेगी, पहले दिन हमारी देखें, दूसरे दिन उनकी देखें, तीसरे दिन वो देखें, सब हमारी फिल्म्स हैं। आप लोग बात कर रहे हैं कि वो फिल्म देखें क्या बना रहे हैं बाहर वाले, इंडिया वाले क्या बना रहे हैं, आप उनकी आवाम को क्यों नहीं देखते? अभी मैं उनके बजट से क्यों नहीं देखते? नहीं, उनकी आवाम आप चेक करें, रिसर्च करें, उनकी आवाम सिनेमा में जाती है, वहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर को आउटकम आता है, जब उसको आता है तो वो क्रिटिसिज्म भी लेता है कि मेरी आवाम देखने जा रही है। हाँ, और ये अपने जी ये अपने माइंड से सोचना छोड़ दें।